तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंटरलॉकिंग कैसे काम करती है और कैसे की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एक वायरिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग की हुई है, जैसे कि ये दो ऑन ऑफ बटन है, ऑन बटन है ग्रीन कलर के, और एक ये स्टॉप बटन है, और दो कॉन्टैक्टर है यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं सप्लाई ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है, अगर हमें इस कंडीशन में अगर दूसरा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। ये काम हो रहा है इंटरलॉकिंग की वजह से। अगर इसको हम स्टॉप करके और फिर इससे इसको ऑन करते हैं, ये वाला कंडक्टर अभी ऑन हो गया है, इसको अगर इसको अभी ऑन करेंगे तो ये वाला ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इस इंटरलॉकिंग को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको ग्रिड सप्लाई और डीजी सप्लाई के बीच में भी किया जा सकता है। मोटर के स्टार्टर होते हैं, जो काफ़ी स्टार्टर होते हैं, एक के बाद एक चलना, या फिर एक अगर एक चल रहा है तो दूसरा नहीं चलना, ऐसे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में इसका काम होता है। कन्वेयर सिस्टम में और चेंज ओवर सिस्टम में इसका जरूरत पड़ती है। दोस्तों इंटरलॉकिंग हमें हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। जो इंटरलॉकिंग हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई फॉल्ट फ्यूचर में फॉल्ट वगैरह ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम सीख लेते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग करनी है। दो यहाँ पे दो हमने कॉन्टैक्टर लिए हैं, दो स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन। ठीक है, तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूँ अभी एक एक करके। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो कॉन्टैक्टर हैं और दो स्टार्ट बटन हैं, जो कि NO है ग्रीन कलर के हैं, और एक स्टॉप बटन है। इनकी अभी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले जो इनपुट सप्लाई आएगी, इनपुट फेज आएगा दोस्तों, वो हमारा जाएगा जो स्टॉप बटन है उसके इनपुट सप्लाई में, इसके इनपुट टर्मिनल के अंदर। इसके इनपुट टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई हम फेज लेंगे, फेज वायर लेंगे जो, इस तरह से। और जो दोस्तों इससे आउटपुट निकलेगा वो जाएगा इन दोनों स्विच के एक एक टर्मिनल, इस टर्मिनल में भी और इस टर्मिनल में भी। तो चलिए हम यहाँ से एक आउटपुट करके दोनों के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से आउटपुट निकाल के इसमें भी दे दी और इस वाले टर्मिनल में भी कनेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों क्या करना है, इस स्टार्टर को, इस बटन से को हमने इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, इस बटन से हमने इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। तो अभी क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर से हम वायर लेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे एक। ये हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो ये पुश बटन है हमारा स्टार्ट का, और अभी इसकी इंटरलॉकिंग करेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले मैं ईजी इंटरलॉकिंग समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आप अगर आप बोलेंगे तो उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। दोस्तों तो इससे कॉन्टैक्टर से जो आउटपुट वायर निकलेगी, जो सॉरी इस बटन से आउटपुट वायर निकलेगी, वो जो दूसरा कॉन्टैक्टर है उसके एनसी पॉइंट में, जो एक्जुलरी पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों ये, उसके एनसी पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट हो गया अभी ये। इसी तरह से जो दूसरे वाला है, इसका यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, दूसरे वाले जो स्विच है उस बटन हमारा, यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे और उसको हम दूसरे वाले कॉन्टैक्टर के एनसी में लेके आएंगे इस वाले में। तो अभी हम इसके साथ भी कर लेते हैं इसे। दोस्तों यहाँ पे भी कनेक्ट हो गए और इसको हम क्या करेंगे, इस वायर के एनसी पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये एनसी पॉइंट है दोस्तों इधर वाला, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे इसको। दोस्तों हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें डायग्राम के अंदर समझाया था, उसके बाद दोस्तों के काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इसलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप और दोबारा से भी बनवा सकते हैं और अपने हिसाब से भी इसको बनवा सकते हैं वीडियो को। आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अभी इस बटन से इसके अंदर एनसी के अंदर चली गई, इस बटन से इसके एनसी से आ गई है। हमें क्या करना है, इस बटन से ये वाला ऑन करना है, इस बटन से ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है। तो दोस्तों ये एनसी में, इस वाले एनसी में आई हुई है, इसके एनसी में यहाँ से वायर को कनेक्ट करके, इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके इसकी जो कॉइल है दोस्तों, ये वाली कॉइल इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो हम एक वायर लेंगे, वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये वायर यहाँ से एनसी से निकली और इसके कॉइल के अंदर कनेक्ट कर देंगे इस तरह।
दोस्तों यहाँ वाला ये इधर हो गया, अभी इधर वाला क्या करना है, यहाँ से कनेक्ट करके इसकी कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। तो एक दूसरी वायर लेंगे हम और ये इसके एनसी में यहाँ पे कनेक्ट करके और इसकी कॉइल के अंदर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों ये अभी इसका इसके इस जो ये स्विच है ये इसके लिए हो गया, ये स्विच इसके लिए हो गया, लेकिन ये इंटरलॉकिंग कर दिया इसका, इसके इससे आउटपुट निकलने के बाद दोस्तों इसके एनसी में चला गया जो कि इंटरलॉकिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे चला गया, इसका आउटपुट निकल गया यहाँ पे एनसी में आ गया, उसके बाद यहाँ पे इसकी कॉइल में चला गया। दोस्तों अभी इनकी कॉन्टैक्टर की क्या है, होल्डिंग करनी है। अभी हमें होल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो कॉइल है, जो कॉइल पे ये वायर आई हुई है जो हमने पहले जोड़ी थी, उनके साथ एक वायर और जोड़नी है। तो हम इसको इसके साथ एक वायर और कनेक्ट कर देंगे साथ में ही, जो कि होल्डिंग का काम करेगी। होल्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे देनी है। दोस्तों अगर आपको होल्डिंग वगैरह का नहीं पता है तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे अलग से। दोस्तों इसको यहाँ पे कनेक्ट कॉइल के ऊपर कनेक्ट करने के बाद आपको इसके इसी कॉन्टैक्टर के सेम कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पे जोड़नी है। तो ये एनओ पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, इसके जो एनओ पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। होल्डिंग हमेशा दोस्तों एनओ पॉइंट से लेते हैं सेम कॉन्टैक्टर के, ठीक है, और इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। इसी तरह से दोस्तों दूसरे की भी टाइट कर देंगे होल्डिंग के लिए। यहाँ पे हमने कॉइल की जो वायर जोड़ी थी उसको हम थोड़ा लूज करेंगे, उसी के साथ में होल्डिंग वायर कनेक्ट करेंगे। और उसको भी ऊपर वो जो एनओ पॉइंट है सेम कॉन्टैक्टर का उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले वाले कंडक्टर के साथ किया था इस तरह से। और दोस्तों ये होल्डिंग की जो आउटपुट निकलेगी इसकी एनो पॉइंट की, ये वाली आउटपुट निकलेगी वो इस कॉन्टैक्टर की, तो इसके आउटपुट में यहाँ पे चली जाएगी दोस्तों, इसी इस कॉन्टैक्टर की यहाँ पे चली जाएगी और इस कॉन्टैक्टर की इसके इनपुट में चली जाएगी, जो स्टॉप इसका इसका स्टार्ट बटन है। तो इनके दोनों के स्टार्ट बटन के इनपुट में हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे, मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमने इनपुट सप्लाई में दो वायर जोड़ी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुश बटन है स्टार्ट का, इसके इनपुट में सप्लाई में जोड़ देंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा लूज करेंगे और इसको जोड़ देंगे। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ये खोल हुए बार बार में, अगर कोई पैनल की वायरिंग कर रहा है उसको अच्छे से पता है कि कैसे ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इलेक्ट्रिकल के पैनल देखे भी होंगे, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों हमने इसकी भी इसकी जो वायर थी होल्डिंग की वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, अभी देख सकते हैं। और इसकी जो है यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एक वायर लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। इसका इनपुट सप्लाई आई थी दोस्तों स्टॉप बटन से, वहां पे कनेक्ट करेंगे इसको भी। दोस्तों आपको कोई भी इंटरलॉकिंग सीखनी है तो नीचे कमेंट करें, अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम है तो हमारी ईमेल आईडी पे
सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वायर फेज़ वायर की कंप्लीट हो गई है। अभी क्या है दोस्तों, जो कॉन्टैक्टर है उनकी कॉइल को हम न्यूट्रल वायर भी देते हैं। तो न्यूट्रल वायर क्या करेंगे, ब्लैक कलर की वायर लेंगे हम, और न्यूट्रल वायर जो ये दूसरा टर्मिनल बसता दोस्तों ये इनके इस पॉइंट पे जोड़ देंगे हम, और न्यूट्रल को दोनों के अंदर कॉमन ही जोड़ना है। इसी से एक लूप लेंगे और दूसरे वाले इस पॉइंट में जोड़ देंगे। आप ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हम सप्लाई दे देंगे। उससे पहले, सप्लाई देने से पहले इसको हम थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे जाए कि कैसे काम कर रहा है ये, इसकी वायरिंग कैसे की है। दोस्तों अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना दोस्तों, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर सप्लाई देंगे फेज और न्यूट्रल दोनों। तो दोस्तों हमने पीछे से सप्लाई को ऑन कर दिया है, अभी हम इसका ट्रायल लेंगे। ये स्टार्ट बटन है, ये वाला स्टार्ट बटन है, ये इसका है और ये इसका है, ये स्टॉप बटन है बीच वाला। तो हम सबसे पहले इसको हम ऑन करेंगे। तो ये ऑन हो गया दोस्तों। अगर इस केस में हम दूसरा वाला दबाते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे सेफ्टी के लिए इंटरलॉकिंग दी हुई है। ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक इसको हम स्टॉप करके, अब ये ऑन हो सकता है, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये वाला भी ऑन हो गया है। और अभी इस कंडीशन में क्या, अगर ये चल रहा है तो ये वाला ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम दबा रहे हैं इसको, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। जब इसको ऑन करना है अगर, तो इसको हम स्टॉप करेंगे पहले, फिर इसको ऑन करेंगे। मैं आपको एक बार फिर इसकी जो इसकी केसिंग है इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ। जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आसानी से काम कैसे कर रहा है ये। तो आप यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपने देखा ये ऑन हो गया। अगर इसको हम ऑफ ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। पहले सबसे पहले इसको हम ऑफ करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा सकते हैं, इस तरह से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछें। अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।